बहराइच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम घोषित होने के बाद अच्छे अंकों से प्रदेश एवं जनपद टॉप करने वाले छात्र छात्राओं के भीतर अपार खुशी है। जनपद बहराइच के राम मनोहर लोहिया विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र अश्विनी कुमार वर्मा ने हाई स्कूल में 96.66% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया। बाल शिक्षा निकेतन में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रा अर्चिता यज्ञसेनी ने 95.60% अंक पाकर जिले का नाम रोशन किया। इन दोनों छात्र छात्राओं के डिस्ट्रिक्ट टॉप करने से स्कूल प्रबंधन सहित माता पिता भी बेहद खुश हैं। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट। प्रिंसिपल बाल शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज बहराइच। क्या कहना चाहेंगे दो बच्चियां आपकी टॉप में? मुझे जितनी खुशी है, शायद मुझे अपने बच्चों के रिजल्ट पे भी इतनी खुशी नहीं हुई है जितनी कि आज इन दोनों बच्चियों के डिस्ट्रिक्ट टॉप करने पे हो रही है। और उम्मीद है कि ये मेरिट में भी अपना स्थान प्राप्त करेंगी। और बच्चे जो हाई स्कूल टॉप किया उसने क्या टॉप 20 में भी जगह पा जाएगी? हाँ, ऐसा उम्मीद है हमें कि वो आने की संभावना है पूरी। सर, मेरा नाम अर्चिता यज्ञसेनी है। किस स्कूल में पढ़ती हैं? बाल शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज। इस बार आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको? सर, अच्छा लग रहा है, पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था पर अब लग रहा है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबको, मतलब टीचर्स को भी देंगे, अपने पेरेंट्स को भी देंगे कि कोई काम नहीं कराते थे मुझसे घर का, बस कहते थे कि पढ़ो अपना और उसमें अपना अच्छा दो, बस और कुछ नहीं। और सेल्फ स्टडी भी खुद से की थी अच्छे से। टारगेट क्या है, क्या बनना है? सर, वैसे तो डॉक्टर है, अभी आगे का पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। मेरा नाम अश्विनी कुमार वर्मा है। सर, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्कूल में पढ़ता हूँ। आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है? जी सर। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, परिवार में भी सब लोग खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे आगे? सर, बाकी तो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, बस यही आप सबका आशीर्वाद और बस इसी की कामना। सर, श्रेय तो सिर्फ गुरुओं को ही देते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से ही शिष्य आगे बढ़ सकता है, वरना तो एक बेकार सा एक बच्चा ही रहता है। उसको उसके माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, उसके बाद से उसको जो स्कूल की शिक्षा मिलती है, वहाँ जो उसको गुरु मिलते हैं और जैसा व्यवहार उसका रहता है, सब उसी को उसके डेवलपमेंट में ही यूज़ किया जाता है और उसी से वो डेवलप होता है। यस सर, हमारे विद्यालय के इस बच्चे ने जो टॉप किया है, बहुत ही होनहार बच्चा है और ये पिछले 6 सालों से हमारे साथ पढ़ रहा है। बहुत ही होनहार बच्चा है, मतलब इसकी हम तारीफ भी नहीं कर सकते। आज तक कभी किसी टीचर से इसने कोई मिसबिहेव नहीं किया और हमेशा ऑनेस्टी के साथ इन्होंने वर्क को किया, टीचर्स को ओबे किया, स्कूल का रूल रेगुलेशन को फॉलो किया। हमें बहुत फख्र है, बहुत नाज है इस बच्चे के ऊपर, बहुत ही फख्र है।